आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनावों में दस्तक दी है। गौतम बुद्ध नगर की 5 सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। गौतम बुद्ध नगर के वार्ड नंबर 2 पर आरती नागर के समर्थन में आम आदमी पार्टी जुट गई है और जगह जगह दिल्ली के विधायक मदन लाल और पूरी टीम जनसंपर्क कर रही है। इस बारे में आरती नागर के पति विनोद नागर का कहना है कि दिल्ली के मॉडल के आधार पर हमें वोट मिलेगा, मत देना होगा और उसी की वजह थी कि दूसरी बार 70 में से 67 सीट जिता दी आप लोगों ने। दिल्ली के लोगों ने 67 सीट जिताई। उस समय का माहौल ऐसा था कि केजरीवाल एनसीआर के एरिया के लोग भी जाते हैं, सरकारी अस्पतालों पे दबाव है, कई बार एक महीने से बाद की ऑपरेशन की डेट मिलती है। तो केजरीवाल जी ने कर दिया, अगर 30 दिन से ज्यादा किसी को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल रहा तो वो हमारे पास आए, हम उसे दिल्ली की सबसे महंगी अस्पताल में इलाज करने की सुविधा देंगे, वो भी केजरीवाल जी के खर्चे पे। चाहे अपोलो हो चाहे मैक्स हो, दिल्ली के कई लोग, हजारों लोग जो दिल्ली के अस्पतालों में अपना इलाज नहीं करा पाते भीड़ की वजह से, वो वहाँ प्राइवेट अस्पतालों में केजरीवाल जी के खर्चे से, दिल्ली सरकार के खर्चे से अपना इलाज करा। कि हमारे यहाँ पर जो केजरीवाल मॉडल यूपी में लाया जा रहा है वो हमने दिल्ली में किया है, जो हमने दिल्ली में किया है वही हम यूपी में करेंगे। फिलहाल हम जो यूपी में बिजली से बहुत परेशान हैं लोग, उनका बिजली का बिल पूरा माफ़ होगा। दूसरा, शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है यहाँ पर, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी लोगों को मैंने देखा है गाँव में, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, लिखा नहीं सकते, कपड़े नहीं है, ड्रेस नहीं है, चप्पल नहीं है, वो ऐसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके पास कोई साधन नहीं है जाने का। उनकी शिक्षा की प्रणाली इतनी बेकार हो चुकी है, हर किसी को पैसे चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा हमारा दिल्ली के अंदर जो स्कूल बने हुए हैं वो 101 बेहतर और गरीब बच्चों के लिए और सबसे बड़े स्कूल भी हैं। तो हम दूसरे नंबर पर स्कूल लाएंगे, पहले नंबर पर शिक्षा लाएंगे, दूसरे नंबर पर बिजली माफ़ करेंगे। किसानों के बहुत किसान परेशान हैं, उनके साथ उनकी भी हम बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हम पूरी करेंगे। लोग आम आदमी पार्टी को आज चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं, जिनके घर भी हम जाते हैं वो कहते हैं भाई आम आदमी पार्टी अच्छी पार्टी है, हम इसको समर्थन करेंगे। कोई बीजेपी के लिए नहीं कहता, बीजेपी के कहने वाले तो बहुत लोग परेशान हैं भाई। बीजेपी के कार्यकर्ता पर घर घर घूम रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पसीने आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है यूपी के अंदर, तो उसको तो देख के उनकी स्थिति वैसे भी गंभीर है। वो कह रहे हैं भाई वो झूठे बोलते हैं, तो मैं देखने हो गया क्या क्या झूठ बोला उन्होंने, भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, कौन सा काम कर दिया उन्होंने? किसी शिक्षा पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, किसी किसान देख लो कहाँ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं बेचारे, उनके घर के काम है, इतनी गर्मियों में वहाँ बैठे हुए हैं, उनके बहुत सारे मुद्दे बेचारे किसानों के देख लो, किसी को भी सुनने के लिए बीजेपी सरकार तानाशाही सरकार है। हिटलर सरकार अगर है कोई तो बीजेपी सरकार है। गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हैं भूपेंद्र जाधव जी, क्या कहेंगे चुनाव के बारे में, क्या स्थिति है, पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ रही है और क्या संभावनाएं हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे गौतम बुद्ध नगर के 5 वार्डों पर प्रत्याशी उतारे हैं, 5 वार्डों पर हमारी स्थिति मजबूत है। और संभावनाओं की बात करें तो इस गौतम बुद्ध नगर के लोग आम आदमी पार्टी में बहुत सारी संभावनाएँ देख रहे हैं। लोगों को पता है क्योंकि यहाँ के लोग दिल्ली के सबसे करीब हैं, इन्होंने आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के जो कामों को देखा और यहाँ के बहुत सारे लोग दिल्ली सरकार की जो सुविधाएं हैं उनका फ़ायदा भी ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों का दिल्ली में आना जाना है, महिलाओं का आना जाना है, यहाँ की महिलाएं दिल्ली में जाती हैं तो फ्री में वो बस में यात्रा करती हैं, यहाँ के लोग दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में जो गंभीर बीमारी होती हैं उसमें फ्री में इलाज करा दिए जाते हैं। तो यहाँ के लोगों को पता है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी ने कैसे काम कर रहे हैं। लोग चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए, आम आदमी पार्टी इस पंचायत चुनाव को 2022 के सेमीफाइनल के रूप में लड़ रही है और हम मजबूत स्थिति में 5 वार्डों पर हम चुनाव जीत रहे हैं।